हेलो एवरीबॉडी, आज मैं थोड़े सामने जो वीडियो लेके आया हाँ, इट इज़ बेनीफिशियल बोथ फॉर द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। यह स्टूडेंट्स में भी बेनीफिट करेगी तो यह टीचर लिए भी बेनीफिट है। तुम टेंस की पहला वीडियो देख चुके हो तो अज आप जो थोड़े अगे वीडियो लेके आ रहे हैं, देर आर सम एक्सट्रा रूल्स रैदर दैन द टेंस। टेंसा तो अलावा भी सम इंपोर्टेंट रूल्स होंगे है भी दैन यू कैन बिकम परफेक्ट इन मेकिंग द ट्रांसलेशन, जिस नाल तुसी ट्रांसलेशन बनाउण दे विच बहुत परफेक्ट हो जाते हो। यानी कि स्पीकिंग जो अपनी वीडियो मैं तुहाडे अगे लैके आ रहा, यह स्पीकिंग दे लई बहुत बेनीफिट करूगी। टेंस तो अलावा जिथे अपनी स्पीकिंग स्टार्ट हुंदी है यही आपां स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो पहला रूल है, आपां आम बोलते हैं जदों बैन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर अकर्ज पैंदा है, पैंदे हन, जदों वाक के अंत विच ये शब्द आ जाण पैंदा है पैंदे हन, यानी कि कंपल्सन आ जाए दैन वी यूज हैज टू और हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। आपां की यूज करते हैं हैज टू और हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल एक एक तो नाल दे रहे हैं, इस तो बाद मैं जिहड़े सारे रूल एक्सप्लेन करूँगा यदि मैं अलग अलग एग्जाम्पल थोड़े अगे लेके आऊँगा। यह कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जिस तरह कहने प्रैक्टिस करना ही कोई आदमी परफेक्ट बनता है, उस तरीके आप इस मकसद के नाल आप लेके आए हैं। जिवें आप कह दिए मैनू इत्थे आना पैंदा है, तुहाडे कोल आ गया इत्थे मैनू इत्थे आना पैंदा है, दे कंपल्सन आ गई पैंदा है आ गया। वी यूज हैज टू और हैव टू, ये तुहानूं सारिआं नूं पता है आई ना हैव लगता है, आई हैव टू कम हेयर, अंडरस्टैंड आई हैव टू कम हेयर। जदों वाक के अंत विच पैंदा सी, ये नंबर वन, नंबर टू पैंदा सी जां पिया शब्द आ जावे, जां की शब्द आ जावे पैंदा सी जां पिया शब्द आ जावे, फिर आपां यूज करदे आं हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जिवें हुण आपां नूं इही एग्जाम्पल लै लो, मैनू इत्थे आउणा पैंदा है, मैनू इत्थे आउणा पिया, मैनू लुधियाणे जाणा पिया, हैड टू। जिवें सपोज कर लो आपां कहता मैनू लुधियाणे जाणा पिया, आई हैड टू गो टू लुधियाणा, की बन गया आई हैड टू गो टू लुधियाणा, अंडरस्टैंड। इस तो बाद थर्ड रूल है बैन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जदों वाक के अंत विच चाहिदा शब्द आ जाए, चाहिदा, ये जिहड़ा मैं रूल तुहानूं दस रहा ये देयर आर मैनी टीचर हू कन्फ्यूज, बहुत टीचर भी कन्फ्यूज हो जाते हैं भी जो आप कोई चाहिदा शब्द आ जाए आप शुड लाइए जां ऑट टू लाइए, दैन ऑट टू आई विल एक्सप्लेन डिफरेंटली, ऑट टू मैं दसूँगा अज वाली वीडियो के ही दसूँगा भी कितने यूज होंगे। डोंट कन्फ्यूज वैन यू आर यूजिंग शुड एंड ऑट टू। देखो जो वाक के अंत में चाहिदा, मैनू यह काम करना चाहिदा है, तुहानू पढ़ना चाहिदा है, तुहानू खाना खाना चाहिदा है, उदों आपां बेटा यूज करते हैं शुड, की यूज करते हैं शुड प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। तुहानू उत्थे जाना चाहिदा है, तुहानू उत्थे जाना चाहिदा है, यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, मैनू पतंग उड़ाना चाहिदा है, आई शुड फ्लाई ए काइट, आई शुड फ्लाई ए काइट। देखो इस तो बाद नोट, नोट दे विच भी हो सकता है जिवें शुड ते ऑट टू दा हुणी दस चुके हां, एक अपने कोले ऑट टू हुंदा है ऑट टू, देखो दोहां दा मतलब चाहिदा ही है, देयर इज डिफरेंस ऑफ द मीनिंग, मीनिंग दे विच बहुत डिफरेंस है। जो आप मुडाल करते होंने वो बहुत की करते हैं शुड ते आउट टू का मतलब दिते ऑप्शन दिखाई होंगे ने शुड ते आउट टू,
ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਔਰ ਟੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਨ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਕਿੰਗ ਔਫ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਰਵ ਆਵਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਵੈਨ ਵੀ ਯੂਜ ਸ਼ੁੱਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਡ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਔਰ ਟੂ ਸਰਵ ਆਵਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਔਰ ਟੂ ਸਰਵ ਆਵਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਔਰ ਟੂ ਸਰਵ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਔਰ ਟੂ ਓਬੇ ਆਵਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਵਰ ਐਲਡਰਜ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਅਤੇ ਔਰ ਟੂ ਨੂੰ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਇਟ ਰੋਂਗਲੀ ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਲ ਪਲੱਸ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਪਲੱਸ ਆਈ ਐੱਨ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵਾਈਲ ਪਲੱਸ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਆਈ ਐੱਨ ਜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੌ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਡੈਂਟੀ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਆਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਵਰਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਉਂ ਵੀ ਟੈਂਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੌ ਗਿਆ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਏ ਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੌ ਗਿਆ ਹੀ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਲੀਪ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਸਲੈਪਟ ਹੀ ਸਲੈਪਟ ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵਾਈਲ ਪਲੱਸ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਵਾਈਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰੀਡ ਸਟੱਡੀ ਪਰੰਪਰੂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਯੂਜ ਵਾਈਲ ਪਲੱਸ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਪਲੱਸ ਆਈ ਐੱਨ ਜੀ ਹੀ ਸਲੈਪਟ ਵਾਈਲ ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਐਗਜੈਂਪਲ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜੈਂਪਲਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਂਸ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਨਾਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਾ ਦੇ ਦੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਆਈ ਰੀਡ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਆਈ ਗੋ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਾ ਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਟ ਡਜ ਨੋਟ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਐਨੀ ਡੈਫੀਨਿਟ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨਿਟ ਪੀਰੀਅਡ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਕਮ ਆਨ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਇਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਹੀ ਫੋਲਜ ਵਾਈਲ ਜਾਣਾ ਗੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਇੰਗ ਪਹਿਲੀ ਫਰਦੈਂਗ ਹੀ ਫੋਲਜ ਵਾਈਲ ਗੋਇੰਗ ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਲ ਪਲੱਸ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਪਲੱਸ ਆਈ ਐੱਨ ਜੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਮੋਰ ਐਗਜੈਂਪਲ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਹੋਰ ਐਗਜੈਂਪਲ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਕਮ ਆਨ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਹੈ ਬਾਲੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ
इट पॉइंट्स टू द फ्यूचर, फ्यूचर वाल कोई इशारा कर रहा है। वाक के अंत विच वाला है, ये आपां आम ही यूज करते हैं, वाला है वाले हैं आपां यूज करते हैं, जिवें ओ आउण वाला है, ओ पतंग उड़ाउण वाला है, मैं पढ़न वाला हाँ, यानी कि इट इज अबाउट टू द फ्यूचर आपां यूज करते हैं, उदों इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, जां आर अबाउट टू, ये तुहानूं दसण दी लोड़ नहीं, इज एम आर कितना लगता है। मैं जान वाला हाँ, अपन कहता उन्हें मैं जान वाला हाँ, आई एम अबाउट टू गो, ओ खाना खाने वाला है, ही इज अबाउट टू ईट फूड। होर कितनी मर्जी एग्जाम्पल ले लो, ओके। इस बाद ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो वाक के अंत में वाला सी वाले सन आ जाए, बस सिर्फ अपने को होया टेंस का फर्क पै गया, एक प्रेजेंट है पास्ट आ गया, वाला सी वाले सन, फिर आप यूज करा इतने इज एम आर है, इतने आप यूज करा वाज अबाउट टू या वर अबाउट टू। हूँ यही एग्जाम्पल, मैं जान वाला सी, आई वाज अबाउट टू गो, ही वाज अबाउट टू ईट फूड, वो खाना खाने वाला सी, मैं पढ़ने वाला सी, आई वाज अबाउट टू स्टडी, की बन गया था, आई वाज अबाउट टू स्टडी। इस बाद वैन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस चाहिदा सी, इहदी जी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुंदी है, जदों अपने कोल की आ जाए चाहिदा सी, आ शब्द आ जी, देखो चाहिदा ते चाहिदा सी च कितना डिफरेंस पै गया ग्रामेटिकली, उदों आपां यूज करांगे शुड हैव प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म। सारे एग्जाम्पल सिंपल लै रहे हैं, इफ यू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ एनी ग्रामर यू कैन बिकम परफेक्ट। देखो चाहे तुसीं ग्रामर इंग्लिश का लै लो, चाहे पंजाबी का लै लो, चाहे हिंदी का लै लो, किसी का भी ग्रामर लै लो, जे तुसीं उहदे च परफेक्ट हो यू कैन डू एनीथिंग। तुहानू उत्थे जाना चाहिदा सी, जिहे जिहदा तुहानू उत्थे जाना चाहिदा है, फिर तो शुड आपां पहला कर चुके, तुहानू उत्थे जाना चाहिदा सी, शुड है प्लस थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव गॉन देयर, गॉन, ओके। जदों अपने कोले वाक दे अंत विच जरूर चाहिदा शब्द आ जावे, की आ जावे, जरूर चाहिदा, उदों आपां यूज करते हैं मस्ट, की यूज करते हैं उदों, मस्ट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, की यूज करते हैं मस्ट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। ये आपां नूं कहदा तुहानूं टैक्स जरूर भरना चाहिदा है, कंपल्सन आ गई, तुहानूं टैक्स जरूर भरना चाहिदा है, यू मस्ट पे, पे मीनज पे करना भरना, यू मस्ट पे टैक्स। तुहानूं उसकी गल जरूर मननी चाहिदी है, तुहानूं उसकी गल जरूर मननी चाहिदी है, तुहानूं उसकी गल जरूर मननी चाहिदी है, यू मस्ट, मनना मीन्स एडमिट, यू मस्ट एडमिट हिज मैटर, मैटर है टॉकिंग भी ले सकते हो, इट इज डिपेंडेंट ऑन योर, यू मस्ट एडमिट हिज मैटर, या यू मस्ट एडमिट हिज टॉकिंग, ओके। जदों अपने कोले वाक दे अंत विच जरूर चाहिदा सी, जरूर चाहिदा सी शब्द आ जावे,
फिर आप लाने ऑट टू प्लस हैव वर्ब दी थर्ड वर्ब तुहानू उथे जरूर जाना चाहिदा सी यू ऑट टू हैव गॉन देयर ओके ते दीज आर द रूल्स नाउ कम ऑन द इंपैरेटिव देखो ये लैके तो मैं अज वाली ये लैके आ रहा इट इज़ आलसो द पार्ट ऑफ द स्पीकिंग ये भी स्पीकिंग का एक पार्ट है इंपैरेटिव सेंटेंस जेडे आप डेली यूज करते हैं मोस्टली 80% or 70% ऑफ स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश ये डिपेंडेंट ऑन इंपैरेटिव सेंटेंस जदों कोई भी मतलब टीचर किसी स्टूडेंट नूं कहदा है भी मैं स्टूडेंट कहदा है भी मैं स्पीकिंग करनी है उहदे विच जिहड़ा टीचर है उहनूं वर्ड दे दिंदा है राइट इत्थों ही अपनी स्टार्टिंग हुंदी है मतलब इंपैरेटिव सेंटेंस देखो इंपैरेटिव यूज कर दिए जिन्हां वाकां विच ऑर्डर दिता गया होवे सिक्ख्या दित्ती गई होवे किसी काम नूं वी कैन से किसी काम नूं करन दी मनाही कीती गई होवे ਉਹ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਗੋ ਦੇਅਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੋ ਡੂ ਨੋਟ ਸਿਟ ਹੇਅਰ ਲਿਖੋ ਰਾਈਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਦੇਖੋ ਵਾਚ ਇਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਲੁੱਕ ਐਟ ਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ਲੀ ਹੈ These sentences are started with the first form. पहली फॉर्म में स्टार्ट होंगे है नैगेटिव सेंटेंस स्टार्टड विद द डू नॉट जेडे नावाचक होन वो अपने को डू नॉट ना स्टार्ट होंगे है देखो रट्टा सिस्टम बहुत स्टूडेंट ला लेंगे ने जिमें शोर ना मचाओ पता लग जाता है डू नॉट मेक ए नॉइज भी आया किमें है दे कांट एक्सप्लेन वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस करके डोंट कम ऑन द रटाफिकेशन अंडरस्टैंड रौला ना पाओ डू नॉट मेक ए नॉइज बड्डियां की इज्जत करो कोई तुहानू सिक्ख्या दे दे रिस्पैक्ट योर एल्डर जिमें भी मतलब तुसीं पहली फार्मा स्टार्ट हो गया इत्थे आओ कम हेयर यह अपने को सेंटेंस है इंपैरेटिव इन्हां दे नाल ही अपनी जिहड़ी स्पीकिंग है स्टार्ट होगी हुण देखो मैं तुहाडे जिहड़े रूल तुहानू एक्सप्लेन किए 8-10 उन्हां दी मैं हुण एक एक तुहानू दो दो एग्जाम्पल दे रहा तो इस तों बाद इनू लिसन इट केयरफुली पहला आ गया जी मैनू लुधियाने जाना पैंदा है मैं सिर्फ कल इंग्लिश लिखूँगा तो अपने रूल हो चुके मैनू लुधियाने जाना पैंदा है रूल आपां पहला कीता सी पैंदा है पैंदे हन वी यूज हैज़ टू और हैव टू आई हैव टू गो टू लुधियाना नैक्सट उसनू उत्थे जाना पिया पैंदा सी पिया आपां यूज करते हैं हैड टू उसनू उत्थे जाना पिया ही हैड टू गो देयर ही हैड टू गो देयर कम ऑन थर्ड तुहानू यह कम करना पवेगा अपना यह रूल रह भी गया पवेगा जदों वाक दे अंत विच पवेगा आ जावे तुहानू उत्थे जाना पवेगा हुण रिपीट कर देना विल हैव टू जां शैल हैव टू यूज करते हैं ये अपना रह गया सी रूल तुहानू उत्थे जाना पवेगा यू विल हैव टू गो देयर तुहानू मेरे कोल आना पवेगा यू विल हैव टू कम तुहानू यह सवाल हल करना पवेगा यू विल हैव टू सॉल्व दिस सम आपां एग्जाम्पल लैती है तुहानू यह कम करना पवेगा यू विल हैव टू ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਵਰਕ ਫੋਰਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਂ ਲੈਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਗਿਆ ਸ਼ੁੱਡ ਲਗੂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਦੇਅਰ ਫਿਫਥ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਡ ਅਤੇ ਔਰ ਟੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਟ ਟੂ ਲੱਗੂ ਕਿ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਔਟ ਟੂ
सर्व आवर पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स। सिक्स, तुहानू उसकी सहायता करनी चाहिदी सी, चाहिदी सी शब्द आ गया तुहाडे, यू शुड वियर इन माइंड, तुहाडे ध्यान जाना चाहिए शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुहानू यह सॉरी तुहानू उसकी सहायता करनी चाहिदी सी, यू शुड हैव, यू शुड हैव हेल्पड हिम, यू शुड हैव हेल्पड हिम। नैक्सट नैक्सट अपने को है ओह आन वाला है, ये यानी कि अपने को फ्यूचर की गल कर रहे हैं, दिस इज कलर्ड फ्यूचर, तुहाडे ध्यान च लिया दें इनू आपां कलर्ड फ्यूचर कहने हैं। थोड़ी नॉलेज दसा, आई शैल गो टू बरनाला, आई एम गोइंग टू बरनाला। देखो दो ही अपने को एक इज गोइंग टू है, वो तो मैं बकायदा इन्हां दी अलग लैके आऊँगा वीडियो, तुहाडी नॉलेज लई दसदे आ, शैल ते इज गोइंग टू ये दोहें फ्यूचर नूं इंडीकेट करते हैं। जिहड़ा इज गोइंग टू है इट क्लीयर आई विल डेफिनेटली गो टू दैट प्लेस, जिथे भी आपां कहे भी मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। शैल लाता इट इज अनसर्टेन, ये पक्का नहीं पता, अनिश्चित है, बस यही है। हुण अपने को आएगा वो आने वाला है, ही इज सैवंथ है अपने को, ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू कम। नैक्सट थोड़ी एग्जाम्पल लूँगा बस थोड़े अगर क्लीयर है, अपना ये हो चुका से वो जाते जाते डिग पिया, कम एक बार एक कम होंगे होंगे दूजा कम हो गया, थोड़ी नॉलेज वो जाते जाते डिग पिया, ही फैल डाउन, टेंस का फर्क पै गया, ही फैल डाउन वाइल गोइंग, पहला मैं लेता से वो जाते जाते डिग पैंदा है, टेंस अपने को है यह पास्ट है, वो पहला पैंता है प्रेजेंट है, ये तुसी आइडेंटिफाई करना है, बाकी रूल यही है वाइल ते पहली फड़ना इंग लाने, ये भी हो गया, वो पढ़ते पढ़ते सौ जाता है, ही स्लीप्स वाइल रीडिंग। इदू बाद चले जाओ गो, कृपा करके इत्थे आओ, जो आप कृपा करके कहता प्लीज, कृपा करके इत्थे आओ प्लीज कम हेयर, इत्थे ना बैठो डू नॉट सिट हेयर, इत्थे आओ कम हेयर। देखो जो अज आप वीडियो तो अगे लेके आए हैं, सम एक्सट्रा रूल्स, सम वी कैन से सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ मेकिंग ट्रांसलेशन, टेंसा तो अलावा जेडे अपने रूल्स होंगे है वो मैं थोड़े अगे लेके आया, तो इट इज़ बहुत बेनीफिशियल फॉर द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। इफ यू आर अटैच्ड फर्स्ट टाइम इन माई चैनल, प्लीज शेयर सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट माई चैनल, ओके थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, ओके थैंक यू वेरी मच।